आज मकर संक्रांति का ये द्वितीय पर्व है। ब्रह्म मुहूर्त से संगम तट पर और स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है और स्नान घाटों पर सारे श्रद्धालु कल्पवासी सुरक्षित स्नान कर रहे हैं। इनको सारे स्नान घाटों तक सुगम आवागमन प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इनके आने और जाने के मार्ग पृथक पृथक निर्धारित किए गए हैं, जिससे कि कहीं कोई स्टैम्पेड आदि की घटना ना हो। साथ ही सुरक्षित स्नान प्रदान करने के लिए हम लोगों ने जल में डीप वाटर बैरिकेटिंग करते हुए रिवर लाइन्स डाली हुई हैं। रिवर लाइन्स पर जाल की व्यवस्था की गई है और इस रिवर लाइन के साथ साथ फ्लड कंपनीज़ के SDRF के और NDRF की टीम ये जल में मौजूद है। विजिबिलिटी कम है, कोहरा काफ़ी है, उसके बावजूद सारे स्नान घाटों पर स्नान सुचारू रूप से चल रहा है। सुरक्षा के सारे उपाय एक वृहद सुरक्षा योजना तैयार करके की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों का इस माघ मेले में योगदान प्राप्त है, जिसमें कि नागरिक पुलिस के लोग हैं, सशस्त्र पुलिस के लोग हैं, घुड़सवार पुलिस है, यातायात पुलिस है, महिला पुलिस है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं, ATS के कमांडोज हैं, RF की टीम है, SDRF की टीम है, PSC के जवान हैं, NDRF है और सारे CCTV कैमरों के लगभग 200 CCTV कैमरों के माध्यम से हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ऑपरेटिव है। फीड लगातार जा रही है और आवश्यकतानुसार हम लोग ड्रोन का भी प्रयोग कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और स्नान सुचारू रूप से सारे घाटों पर लगातार चल रहा है।